गाइस, आज कुकिंग मम्मा स्पेशल में मैंने सांभर बनाना है, क्योंकि मेरे पास आज सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा यार सांभर ही बना लेते हैं और हेल्दी भी होता है। तो कुकिंग मम्मा मैंने अपने चैनल का नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, बहुत डिमांड्स करके, आज ही मम्मा ये बनाओ, आज मम्मा वो बनाओ। तो आज सांभर में बनाऊंगी, पर कुछ अलग तरीके से। बहुत से दाल में सारी सब्जियां मिलाकर सीधा गैस पर चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं पहले दाल बनाऊंगी और फिर ये सब्जियां सारी फ्राई। अरहर की दाल डाली है, मैं जस्ट इसमें ओनली नमक डालूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट, काला नमक डाला मैंने, और बाकी मसाले बाद में डालेंगे। और हम कुकर में ये गाइस, एक तरफ तो मैंने सब्जी फ्राई करनी है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई हुई है, तो मैं सब्जी फ्राई करूंगी। और मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा खाना बनाती हूँ। तो अब एक से दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दें, और जब वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पकने दें। लौकी है, ये मैंने लौकी डाला थोड़ा सा, शिमला मिर्च, सीताफल, गाजर और बैंगन, मटर के दाने। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गल नहीं जाते। सब्जी करी थी वो सारी बन चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। तो मेरा जो प्रोसेस है वो अलग है थोड़ा, पहले सब्जियों को पकाया, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए दाल है, दाल भी चार पांच सीटी में हो गई, ये देखिए बिल्कुल गल गई हमारी दाल, परफेक्ट, बिल्कुल यही चाहिए थी। अब इस दाल को मैं क्या करूँगी, इन सब्जियों में ट्रांसफर कर दूंगी, ये ऐसे। अब क्या करना है हमें, ये दाल के साथ, ये देखिए अभी जब मसाले डलेंगे, तड़का लगेगा, तो हमारा सांभर ये देखिए बाजार के जैसा सांभर हो जाएगा, जैसे सब्जियां उनकी नजर आती है ना, इस तरीके का। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये इमली का पल थोड़ा सा डाल दूंगी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इमली का पल डाल दूंगी। अब इसको मिक्स करेंगे, गैस मेरी ऑन है, गैस ऑन कर ली मैंने। अब मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है गैस पर, ये देखिए। अब कुकिंग बहुत इजी हो गई है, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, कुकिंग अब गाइस बहुत पतली है। डाला है सांभर मसाला, अब जैसे कि कुकिंग तो अब बहुत इजी हो गई है, मसाले सारे ही टोटल मिल जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए सांभर का बिल्कुल कलर आ गया, और मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें, जैसे भी आप खाते हैं। थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाला है इसमें। ये देखिए बिल्कुल, अब हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं।
लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा सांभर, सब्जियां सब नजर आ रही हैं। इसमें तड़का लगाएंगे, गैस ऑन करें, ऑयल डाला 2 चम्मच के करीब, बस ये तेल हो जाए। ये मैं डाल रही हूँ ज़रा सा हींग, हींग तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में डालती हूँ, मेरे पास बिल्कुल कुछ ड्राई कड़ी पत्ते हैं तो मैं वो डालूँगी। थोड़ी सी राई के दाने मैंने इसमें डाले हैं, हल्की ब्राउन होते हैं इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर थोड़े से गल गए हैं, फिर बाद हमारा तड़का रेडी है। तड़का तैयार हो चुका है और ये रहा हमारा सांभर। ये अब मैं इसमें ये देखिए हमारा सांभर इज रेडी। ये हमारे आलू के पिठे, आलू बॉईल डाले, इसमें ऑनियन डाला, हल्दी डाली। अब बना रहे हैं तो भाई डोसा भी बनाए से पूरा कंप्लीट। ये बन गए आलू के पिठे। मैंने लिया 1 कप चने की दाल, आज हम चने की दाल से डोसा बनाएंगे, और 1/2 कप ली मैंने मसूर की दाल, और 1 पैकेट छोटा जो 10-15 रुपए वाला आता है ना ओट्स का, वो भी मैंने उसमें चने की दाल और मसूर की दाल को भिगो दिया 1 घंटा। उसके बाद मैंने 1 ओट्स के पैकेट को नमकीन वाले को इसके साथ मिक्स कर दिया, और इसमें डाला बस नमक और हींग। उसके बाद हम डोसे बनाएंगे। ये मैंने डोसा तवा यहाँ पे रख दिया है, और ये प्रोसेस मैंने जो बनाया था दाल का वो उसका ओस्ट का पेस्ट मैंने 2 घंटे पहले बनाया था, क्योंकि डोसे का जो ये बैटर है इसको पहले ही बनाना चाहिए। इसे मैंने कुछ नहीं डाला, आपको बताया था मैंने पहले, चने की दाल है और मसूर की दाल है लाल मसूर, और ओस्ट का 1 पैकेट है छोटा वाला। और उसके बाद में क्या करेंगे, तेल और पानी का ये मिक्सचर मैंने बनाया है थोड़ा सा, ये डालेंगे हम। तो आप बस सेफ्टी से बस पॉज कर रहे हैं सेफ्टी से। इसके बाद मैं ये बैटर डालूंगी डोसे का,
और इसको लगातार मैं चलाती जाऊंगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अपने पूरे पैन पे मैं इसको चला दूंगी। देखिए उस टाइम मैंने गैस को कम किया हुआ था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया, और अब मैं थोड़ा सा इसमें इसकी कॉर्नर पे ऑयल डाल देंगे ताकि ये छुटाने में आसानी हो। अब बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, तरीके से। ये भी कितना अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है ना इसमें, वाओ। ये दाल और ओट्स का डोसा कितना न्यू। अब इसमें हम ये लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, पनीर का भी लगा सकते हैं इसमें। वाओ सो यम्मी। और अब हम इसको देखते, वाओ ये तो कितना ब्यूटीफुल, सो यम, सो यम, सो यम। गाइस देख सकते हैं आप कितना अच्छा डोसा बनके तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी डोसा है ये। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, वाओ। तो देखिए गाइस कितना, और मेरी वीडियो और मेरा ये न्यू डोसा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को।